करना चाह रहा है पाकिस्तान। अरे हम अपने बुरे ख्वाब में भी पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते, आप इतना सोचते हो। पाकिस्तान से मुझे क्या लेना देना, जो टीवी प्रोग्राम पे जाते कोई बीजेपी का ठहर के बोलता पाकिस्तान। अरे मिला क्या बोलेंगे लोगों को, मिला प्यारे हमारे लिए भारत पाक है, इसकी सरजमीन हमारे लिए पाक है। क्या बोलते, क्या बोलना क्या है, अरे क्या बोलना, मेरा मेरा क्या बोलना, खामोश हो जाते। अरे पाकिस्तान अफगानिस्तान से नरेंद्र मोदी उड़े प्लेन में, आसमानों से नरेंद्र मोदी ने नीचे देखा, चमक के लाइट देख रहे थे, छकाछक जिसको लाइट चमक रहे थे। वजीर आजम ने प्लेन के पायलट से पूछा, पायलट ये नीचे लाइट कैसी, तो उसने कहा सर नवाज। वजीर आजम ने कहा नवाज शरीफ के घर में शादी और मोदी नहीं, नहीं उतारो प्लेन को। लाहौर पे प्लेन उतर गया, आप शादी में चले गए, दावत भी नहीं आपको, खैर आप चले गए। नवाज शरीफ के साथ आपने बैठकर फोटो खिंचाई और आप वापिस भारत आए तो नवाज शरीफ ने आपकी उसके घर में बगैर दावत में बगैर रुखे के शिरकत का तोहफा क्या दिया, पठानकोट में दहशतगर्दों को मार दिया। आप गए थे पाकिस्तान, हम नहीं गए। हमारे बुजुर्गों ने 70 साल पहले फैसला लिया कि नहीं, भारत हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान हमारा वतन है, मगर मौसूफ निकलता ही नहीं, ना वो निकलते ना ही वो निकलते। सिटीजन अमेंडमेंट का कानून बनाए और बार बार के बांग्लादेश के हिंदू कहां जाएंगे, बताओ ओवैसी जी कहां जाएंगे। अरे बोला भाई मेरे से क्यों पूछ रहे आप, मैं क्या ठेका लेके रखा हूं पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान का, आपको देना है तो मजहब को निकाल दो, रिलीजन को निकाल दो, दो आप नहीं कैसे होगा। मैंने इसलिए तारीफत इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे आईन के खिलाफ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। नहीं बीजेपी के तरफ से आज वजीर दाखला का बयान आया जिसको ने कहा कि CAA से सिटीजनशिप दी जाती छीनी नहीं जाती, झूठ गलत कह रहे हैं। कैसे आप 6 मजहब के मानने वालों को दे रहे, एक को नहीं, आप हिंदुओं को दे रहे हैं, क्रिश्चियंस को दे रहे हैं, सिख्स को दे रहे हैं, बुद्धिस्ट को दे रहे हैं, जैन्स को दे रहे हैं, पारसियों को दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे, मुसलमान को नहीं दे रहे। मुझे गम इस बात का नहीं है कि पाकिस्तान बांग्लादेश या अफगानिस्तान से कोई मुसलमान नहीं आएगा, मुझे गम इस बात का है कि आप हमारे दस्तूर आईन संविधान के उड़ा रहे। इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है, याद रखो आप, इस मुल्क का मजहब ना इस्लाम है ना रहेगा, इस मुल्क का मजहब ना हिंदुइज्म है ना रहेगा, इस मुल्क का मजहब ना सिखिज्म है ना रहेगा, इस मुल्क का मजहब ईसाइयत नहीं है ना रहेगा, इस मुल्क का मजहब ना बौद्ध है ना रहेगा, इस मुल्क का मजहब ना पारसी है ना रहेगा, इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है, इस मुल्क की खूबसूरत। सबसे पहले न्यूज देखने के लिए हमारे AHN न्यूज को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे।